हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, मार्केट इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 11। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। जनरली द प्लेस वेयर देयर इज परचेस एंड सेल ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ मार्केट। जनरली ये वर्ड जो है मार्केट हम यूज़ करते हैं डेली टू डेली लाइफ में। हमारे मार्केट जाके आता हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट क्या था, तो ये मार्केट है क्या जहाँ पे लाइफ की जो ज़रूरी कॉमोडिटीज़ है या तो फिर ऐसी कुछ सर्विसेज है जो कि हम परचेस और सेल करते हैं। द प्लेस वेयर देयर इज़ परचेस एंड सेल ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ मार्केट। ये उसका जनरल मीनिंग है, सिंपल मीनिंग है। द कंसेप्ट रिगार्डिंग मार्केट इन इकोनॉमिक्स मोर एक्सटेंसिव देन द प्रिवेलिंग आइडिया, बट इकोनॉमिक्स में उसका जो मीनिंग है वो ब्रॉड है, ना कि परचेस एंड सेल ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, बट उससे ज़्यादा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ मार्केट। द सिस्टम थ्रू विच द बायर्स एंड सेलर्स गेट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द सेल और परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड मार्केट। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में मार्केट क्या है? द सिस्टम थ्रू विच, एक तरह की सिस्टम है जिसके द्वारा बायर्स एंड सेलर्स गेट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। बायर्स और सेलर्स दो पार्टीज़ है, वो कॉन्टेक्ट में आती है, आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं, या तो फिर डायरेक्टली या तो फिर इनडायरेक्टली फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड मार्केट। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल, मार्केट इज़ अ फंक्शनल सिस्टम वेयर द बायर्स एंड सेलर्स कॉन्टेक्ट ईच अदर टू डिसाइड द प्राइस एंड द क्वान्टिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेस। जो प्रोफेसर है सैमुअल, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल ने एक डेफिनेशन दी है कि मार्केट इज़ द फंक्शनल सिस्टम। मार्केट जो है वो एक तरह की फंक्शनल सिस्टम है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स कॉन्टेक्ट ईच अदर, बायर्स और सेलर ईच अदर का कॉन्टेक्ट करते हैं टू डिसाइड द प्राइस एंड द क्वान्टिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जहाँ पे बायर्स और सेलर्स वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो टू डिसाइड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक तरह का फंक्शनल सिस्टम है एज पर प्रोफेसर सैमुअल। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मार्केट। मार्केट हैज़ इट्स ओन पर पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स एज फॉलो। फर्स्ट है उसमें न्यूमरियस सेलर्स एंड बायर्स, यहाँ पे कई तरह के बायर्स और सेलर्स होते हैं। इट इज़ मैंडेटरी टू हैव बायर्स एंड सेलर्स फॉर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ मार्केट। अगर बायर्स एंड सेलर्स होंगे तो ही हम उसको मार्केट कह पाते हैं। सो मैंडेटरी टू हैव बायर्स एंड सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ मार्केट। कस्टमर होने ज़रूरी है बायर्स और सेलर्स। Purposeful exchange made through them of goods and services is the process of purchase and sales. यहाँ पे purposeful exchange होता है किनके बीच में? buyers और sellers के बीच में। एक को need होती है उस चीज़ की और दूसरे को need होती है वो sell करके उससे money earn करने की। This process allows the sellers to gain maximum profit and the buyers to gain satisfaction from the product. यहाँ पे seller का जो मीन ओला एम होता है दैट ही हैज़ टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। उसको क्या चाहिए? बाय सेलिंग गुड्स उसको प्रॉफिट अर्न करना है। और बायर्स की जो नीड होती है सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी कि उस प्रोडक्ट से बायर को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, वो बायर्स का नीड होता है। सो ये है नीडफुल एक्सचेंज होता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज गुड्स एंड सर्विसेज। It is necessary that there are goods and services available according to the demand and necessity. यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है एंड सर्विसेज है उसकी नेसेसरी डिमांड होनी चाहिए और उसकी नेसेसिटी भी होनी चाहिए और उसकी डिमांड भी होनी चाहिए। वो क्या है? ज़रूरी है। To gain maximum profit, the producer and sellers provide the product and services in various types and forms and try to attract the buyers towards them. यहाँ पे जो सेलर है उसका जो एम होता है, उसका जो मोटो होता है टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स। अब उसका काम होता है कि जो
बायर्स है उसको अपनी प्रोडक्ट से अट्रैक्ट करना है, अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड्स करनी है, फॉर्म्स, और ट्राई करना है कि बायर्स जो है वो उसके प्रोडक्ट को परचेज करें. वाइल फॉर देयर सेटिस्फेक्शन द बायर्स ट्राइज टू बाय एन आइडियल सेट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. उसके लिए बायर्स जो है वो ट्राई करेंगे कि उसके जो प्रोडक्ट्स है वो आइडियल है कि नहीं है. वाइल फॉर देयर सेटिस्फेक्शन द बायर्स ट्राइज टू बाय एन आइडियल सेट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तीसरा है कॉन्टैक्ट. द बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट विया वेरियस मीन्स. द कॉन्टैक्ट मेड कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. बायर्स और सेलर्स है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं. Presently, the buyers and sellers come into contact via the following means. In present scenario, buyers and sellers are come together with these kind of method. First is teleshopping, where the buyers themselves order the services or products through a telephone. Teleshopping जो होता है उसमें TV पे ऐड आती है, उस पर फ़ोन नंबर भी दिए होते हैं. Purchaser जो है, जो buyers है, वो खुद से उस टेलीफोन नंबर पर फ़ोन करके अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस करवाते हैं. वहाँ पे बायर एंड सेलर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आते. एंड सेकंड थिंग इज़ ऑनलाइन शॉपिंग. वी ऑल नो दैट वेदर बायर्स ऑर्डर द सर्विसेज और प्रोडक्ट्स विच दे सिलेक्ट ऑन वेबसाइट विया इंटरनेट. ऑनलाइन शॉपिंग इज़ वेरी कॉमन इन नाउ डेज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. दस बाय द मीन्स ऑफ टेली शॉपिंग एंड ऑनलाइन शॉपिंग द बायर्स एंड सेलर्स कैन कम इनडायरेक्टली इनटू कॉन्टेक्ट. अब इस ये जो 8 महीने है या फिर 9 महीने है उसमें आप सभी को पता चल चुका है कि वैसे भी सोशल डिस्टेंस रखना है, तो बाज़ार में जाके ट्रेडर के पास से परचेज करने की बजाय हम क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करके सारे पेमेंट और अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मंगवा लेते हैं. सो ऑनलाइन शॉपिंग में भी क्या होता है, बायर ऑनलाइन वेबसाइट में अपनी कमोडिटीज़ को देख के उसके ऊपर ऑर्डर करते हैं. तो यहाँ पे भी बायर्स एंड सेलर्स वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आते. नेक्स्ट इज प्राइस. एट अ गिवन टाइम द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज मस्ट बी डिसाइडेड इन द मार्केट. द प्राइस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड द फैक्टर्स रिलेटेड टू इट सप्लाई. प्राइस किस तरह से डिसाइड होती है, अगर कमोडिटी है यानी कि सफिशियंट गुड्स ट्रेडर के पास है तो उसकी प्राइस एज डिसाइडेड रहते हैं. अगर कुछ लेक ऑफ प्रोडक्ट्स हो चुका है यानी कि लिमिटेड प्रोडक्ट्स है तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिपेंड्स ऑन द डिमांड मेड बाय द बायर्स एंड द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स टू सप्लाई देम. जनरली प्राइस जो है वो डिमांड पे बेस्ड होती है. अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा, अगर डिमांड कम है तो उसकी प्राइस भी कम. तो इस तरह से ये जो प्राइस है वो अफेक्ट होती है इन द मार्केट. नेक्स्ट टॉपिक है इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन कितनी है मार्केट सिचुएशन के बारे में, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द बायर्स एंड सेलर्स हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन. बहुत ज़रूरी है कि बायर्स और सेलर को करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो, सो दैट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, distribution and purchase can be taken during the time of recession, inflation, natural and man-made calamities. ये सारी जो situations है कि जो कि economy में आती ही रहती है, तो उसके based जो है वो decision ले सके. इसीलिए buyers and seller को current जो condition है उसके बारे में पता होना चाहिए. Next topic है classification of market. अब मार्केट को भी अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया गया है. द मार्केट इज़ क्लासिफाइड इन मेनी वेज, मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन, टाइम, फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, कंट्रोल एंड कंपटीशन आर द वेरियस टाइप्स. मार्केट को ये अलग अलग उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्लासिफाई किया गया है. मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन यानी कि जगह जगह पे जो अलग अलग मार्केट होती है वो, टाइम यानी कि टाइम के हिसाब से जो मार्केट चलती है, फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट उसमें जो है वो एक्सचेंज की जाती है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, फिर कंट्रोल एंड लास्ट इज कंपटीशन. हियर वी विल स्टडी मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन, मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन. फर्स्ट टॉपिक है मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन.
आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल लोकेशन वेयर दे आर सिचुएटेड। ये जो जियोग्राफिकल कंडीशन होती है, जियोग्राफिकल लोकेशन होती है, उस हिसाब से मार्केट को डिवाइड किया जाता है। उसमें फर्स्ट है लोकल मार्केट, द मार्केट वेयर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट द सेम प्लेस आर कॉल्ड लोकल मार्केट। यानी कि वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है वो वहीं पे प्रोड्यूस होती है और वहीं पे सेल होती है, तो इस तरह की मार्केट को बोलते हैं लोकल मार्केट। दे आर लिमिटेड टू द रिस्पेक्टिव सिटी और विलेज। फॉर एग्जांपल मार्केट फॉर क्ले यूटेंसिल्स, क्ले यूटेंसिल्स यानी कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो, क्ले यूटेंसिल्स, वो एक ही जगह पे प्रोड्यूस किए जाते हैं और वहीं पे सेल किए जाते हैं। सेकंड इज रीजनल मार्केट, व्हेन द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज लिमिटेड टू अ रीजन और स्टेट देन इट इज़ कॉल्ड रीजनल मार्केट। यहाँ पे सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अगर लिमिटेड होता है, लिमिटेड फॉर अ स्टेट एंड फॉर अ रीजन, तो उस टाइप के मार्केट को बोलते हैं रीजनल मार्केट। इट मीन्स दैट द डाइवर्स मार्केट्स इन अ स्टेट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रीजनल मार्केट। दीज मार्केट आर स्प्रेडेड इन वेरियस रीजन ऑफ अ स्टेट। फॉर एग्जाम्पल इन गुजरात द मेकर्स इन अहमदाबाद एंड बड़ोदरा आर रीजनल मार्केट। एग्जाम्पल घरी ऑफ सूरत इज फेमस, इट इज़ अ डेजर्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन सूरत। सूरत से अलग अलग जो उसके नज़दीकी शहर या तो फिर गांव होते हैं उसमें वो भेजी जाती है, तो इसको बोलते हैं रीजनल मार्केट। द मार्केट आर स्प्रेडेड इन वेरियस रीजन ऑफ अ स्टेट। फॉर एग्जाम्पल इन गुजरात द मार्केट इन अहमदाबाद एंड बड़ोदरा आर रीजनल मार्केट। ये है एग्जाम्पल फॉर रीजनल मार्केट। नेक्स्ट इज नेशनल मार्केट, when the products and services are purchased and sold throughout the country then the market is called national market। अपनी ही कंट्री के अलग अलग जो स्टेट है, अलग अलग जगह है, उसमें अगर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, परचेस एंड सेल होता है, तो उस मार्केट को बोलते हैं नेशनल मार्केट। दिस मार्केट इज स्प्रेड थ्रू आउट वेरियस स्टेट ऑफ नेशन। फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स, सारी मार्केट और हिंदी नॉवेल्स, ये है उसके एग्जाम्पल। ये उस तरह के मार्केट है जो देश के अलग अलग कोनों में जो है वो सिचुएटेड है, तो इसको बोलते हैं नेशनल मार्केट। उसके बाद है इंटरनेशनल मार्केट, इट्स आल्सो कॉल्ड ग्लोबल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट अब जो है वो पूरा वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट में आ चुका है। किसी भी कंट्री से आपको कुछ भी मंगवाना है तो इजीली ऑनलाइन शॉपिंग थ्रू आप वो मंगवा सकते हो। दिस मार्केट इज़ एक्सटेंडेड टू वेरियस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। द सेल्स एंड परचेज इन दिस मार्केट इज़ जनरली रिफर्ड टू एज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन्स, इंग्लिश नॉवेल्स एक्सेट्रा। मोबाइल फ़ोन्स भी अब अलग अलग कंट्री में से मंगवाए जा रहे हैं, विच वी कैन कॉल इट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। यहाँ से भी अलग अलग कंट्रीज में कई तरह की कमोडिटीज़ जो है वो एक्सपोर्ट होती है, तो ये है इंटरनेशनल मार्केट। ड्यू टू न्यू इन्वेंशन बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, देर इज़ अ चेंज इन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड जियोग्राफिकल एरिया। जैसे अलग अलग तरह की इन्वेंशन हो चुकी है, कई तरह के फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, उसकी वजह से जो है जियोग्राफिकल एरिया के लोकेशन में ये बिजनेस पूरे वर्ल्ड में चलता है। द सेम आइटम्स एंड सर्विसेज कैन बी ऑफ बोथ रीजनल एंड इंटरनेशनल मार्केट सिमल्टेनियसली। नेक्स्ट है मार्केट बेस्ड ऑन क्वान्टिटी। The market based on quantity is classified into two main classes as follows. First is wholesale market and the second is retail market. अब quantity के base में अगर market को classify किया जाए तो एक है उसमें wholesale market. Here the sale and purchase of items is done on a large scale. The wholesale traders buy the wholesale goods from the market and sell it to the retail traders. प्रोडक्शन हाउस से जो होलसेलर है वो परचेस करते हैं, होलसेलर जो होते हैं वो रिटेलर्स को सेल करते हैं, एंड फ्रॉम रिटेलर्स वी आर परचेसिंग यानी कि कस्टमर्स आर परचेसिंग। दिस वे द रिटेल ट्रेडर्स बिकम बायर्स व्हाइल द होलसेल ट्रेडर्स आर एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन द बायर्स एंड द प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जाम्पल होलसेल ग्रेन मार्केट, भूज में या तो फिर कई ऐसे स्टेट होते हैं, कई ऐसे एरिया होते हैं जिसमें होलसेल बाजार होते हैं, जिसमें से लेक यानी कि होलसेल में सारी चीज़ें को परचेज किया जाता है और बाद में रिटेलर्स को सेल करके कस्टमर तक पहुंचाया जाता है।
दूसरा है रिटेल मार्केट, द सेल्स एंड परचेज आर एट द स्मॉल स्केल इन दिस मार्केट, दस रिटेल ट्रेडर्स बिकम एन इम्पोर्टेंट लिंक एंड प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर, द रिटेल ट्रेडर्स बाय द गुड्स एंड सर्विसेज लार्ज स्केल एंड देन सेल देम टू द कस्टमर ऑन द स्मॉलर एंड रिटेल स्केल अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड एंड नीड्स। जैसा कि मैंने बोला, प्रोडक्शन हाउस में से प्रोड्यूसर के पास से फर्स्ट होलसेलर परचेस करेंगे, होलसेलर्स जो है वो रिटेलर्स को अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, रिटेलर जो है वो कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंचेंगे। तो रिटेल का बिजनेस जो है वो स्मॉल स्केल में होता है एज़ कम्पेयर टू होलसेल मार्केट। तो ये दो तरह के मार्केट है जो कि क्वांटिटी के बेस्ड में है, होलसेल में क्वांटिटी ज़्यादा होती है सेल एंड परचेज की, और रिटेल में जो है वो कम होती है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। आज हमने मीनिंग ऑफ मार्केट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में दो पॉइंट्स कवर किए हैं, मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन एंड मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी। घर पे इसको ज़रूर रीड करते रहिए और रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में